अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ये पहली टॉपिक है होम्योस्टेसिस। इससे पहले हमने नेफ्रॉन की थी टॉपिक, वो जस्ट हमने एज अ डेमो के तौर पे की थी। तो अब हम इस इंटर की जो मतलब 12th की जो बायोलॉजी है उसको कंटिन्यूली करेंगे। हमने क्या किया है कि सिंध और पंजाब टेक्स दोनों में जो सिमिलर टॉपिक्स हैं उनको कंबाइन करके वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिए ताकि दोनों फ़ायदा उठा सके, क्योंकि एंट्री जो टेस्ट्स होती हैं उनमें दोनों में से कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। सिंध में पंजाब वाले आ जाते हैं और पंजाब में सिंध वाले आ जाते हैं, और ज़्यादा इनमें कुछ फ़र्क है भी नहीं, थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स का फ़र्क है। कुछ किन बातों में पंजाब टेक्स्ट बुक्स में अच्छी पॉइंट्स लिखी हुई हैं, किन में सिंध टेक्स्ट बुक्स में अच्छी पॉइंट्स लिखी हुई हैं, तो हमने दोनों को कम्बाइन करके एक वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी हैं। सबसे पहले हम अपनी टॉपिक पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज़ एक्चुअली टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड होमो स्टेट एंड सिस। होमो मीन्स होता है सेम, स्टेट मीन्स होता है कंडीशन, सिस मीन्स होता है प्रोसेस। यानी सेम कंडीशन प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस विच मेंटेन्स द सेम कंडीशन। मतलब इन सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस विच मेंटेन द सेम कंडीशंस सिंपली। इसके जो लफ्जी माना है होम्योस्टेसिस की, उसकी माना है टू स्टे द सेम, मीन्स सेम चीज़ रखें, मतलब किसी चीज़ को सेम रखें जैसा वो है। तो अब एग्जैक्टली जो हमारी बुक्स में जो डेफिनेशन हैं सिंध और पंजाब में, हम उन पे आएंगे कि सिंध टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन है वो बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन की गई है कि इट इज़ अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म्स इंटरनल एनवायरनमेंट विद सुइटेबल लिमिट्स। यहाँ पे बोला गया अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, यानी ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं मखसूस लिमिट्स के अंदर। अब क्या है लिमिट्स का मतलब क्या होता है? मसलन जैसे हमें पता है ह्यूमन बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमें पता है कि अगर ये 37 से अप टू 39-40 तक जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर यह 37 से बिलो 35-34 तक जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इवन जस्ट अगर सिंगल पॉइंट पे भी ऊपर जाए 37 से 38 या 37 से 36 जाए तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ऐसे हैं कि जो रेगुलेट रखते हैं यानी मेंटेन करते हैं, अगरचे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिनकी वजह से किसी भी किस्म का कोई भी मसला पैदा हो जाए और बॉडी के जो माना नॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाए, तो ये जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस है ये प्रोसेस मेंटेन करने की कोशिश करता है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, जैसे हमने टेम्परेचर की बात की। दूसरी जो डेफिनेशन है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही प्यारी बात हुई है। देखें, हम एक है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट यानी हमारी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट, और एक है हमारा बाहर का एनवायरनमेंट। जैसे अब हम बाहर का एनवायरनमेंट है, उसकी हमारी बाहर की आबो हवा कैसी है, वहाँ पे ऑक्सीजन कितने मकदार में है। कोई पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो उनके पास ऑक्सीजन की मकदार उतनी उस तरह नहीं होती जिस तरह हमारे पास है, क्योंकि उनके पास जो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर है वो उस लेवल पे नहीं होता। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं, और हम हर वक्त एक्सपोज्ड होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ से। मतलब कुछ भी हो हम पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। मसलन सर्दी ज़्यादा हो गई तो भी हम पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, गर्मी ज़्यादा हो गई तो भी हम पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा, या और कोई भी मसले हैं तो उनमें भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम पे अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो उन जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एक्ट करने के बाद जो चेंजेस आती हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में, उन इंटरनल एनवायरनमेंट में वो आने वाली जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को रोकना जो है उसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो सिंपली होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी को उसकी नॉर्मल कंडीशंस में मेंटेन करके रखता है, ना उससे बढ़ने देता है ना उससे कम होने देता है, मखसूस लिमिट्स में मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे एनवायरनमेंट्स की दो किस्में हो गई, एक हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट पे हम आ जाएं तो जैसे हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट है अंदर का,
अब हमारी बॉडी के अंदर फॉर सपोज ह्यूमन में आ जाए, तो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लड आ जाएगा और इंट्रा सेलुलर फ्लड आ जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारी आबो हवा। तो फिर इसको आगे डिवाइड कर देते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट में जैसे ही हम जाएंगे तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर यानी ब्लड जो है और माना इंटरस्टिशियल जो फ्लड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड कहा जाता है। ये होता है इंटरनल एनवायरनमेंट ही है लेकिन इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड कहा जाता है, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लड होता है उसे इंट्रा सेलुलर माना इंट्रा सेलुलर फ्लड कहा जाता है। अब अगर हम अपने बॉडी के मतलब हम ह्यूमन है तो हम अपने बॉडी सेल्स के एनवायरनमेंट पे बात करेंगे, तो हमारे बॉडी के सेल्स के एनवायरनमेंट के मुताबिक जो सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लड मौजूद है वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है, और सेल्स के बाहर यानी जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लड मौजूद है वो हमारे सेल्स का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये बात आपने थोड़ी ध्यान में रखनी है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? ये ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं, जैसे एमोबा इन पोंड वाटर, ठीक है, और टिश्यू फ्लड्स फॉर हायर एनिमल्स, और उसके बाद सेब फॉर प्लांट्स। सेब एक ऐसा फ्लड है जो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम एंड फ्लोइम, ये टिश्यूज हैं प्लांट में, आपको पता होगा, आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में भी, और यहाँ पे भी इनकी थोड़ी डिस्कशन होगी आगे टॉपिक्स में, इंटर की टॉपिक्स में है, इंटरमीडिएट की टॉपिक्स में। तो वहाँ उनके उनमें होती हैं सीव ट्यूब्स, उन सीव ट्यूब्स के जरिए ये फ्लड ट्रांसमिट होता है। ये जो फ्लड है ये उनका इंटरनल इन्वायरमेंट है। ये देखें, ये सीव ट्यूब्स होती हैं, इनके जरिए से फ्लड ये जो है ऊपर जाता है, ये सेप ऊपर जाता है, और यहाँ पे ये होती हैं सेल्स के इन बिटवीन सीव प्लेट्स, इन प्लेट्स के जरिए फिर आगे दूसरे सेल्स में पहुंचता है। यहाँ पे भी ये देख लें, ये सीव ट्यूब है, ठीक है, और ये सीव प्लेट्स हैं, यहाँ पे भी ये सीव प्लेट्स हैं, ओके। अब इंटरनल इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं वो हमने पहले भी बात की कि वो चेंज होती रहती हैं, क्यों? क्योंकि उन पे हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट असरअंदाज रहता है, लेकिन उन चीज़ों को यानी जो इन्वायरमेंटल इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको चेंज होने से रोकने का नाम होम्योस्टेसिस है। मतलब हमें उसे कांस्टेंट रखना है, और वो प्रोसेस जो उसे कांस्टेंट रखता है यानी इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कांस्टेंट रखता है, चेंज होने से रोकता है, उसे कहा जाता है होम्योस्टेसिस। यहाँ पे आपको दोस्तों एक फिजिक्स के साथ कोरिलेशन बता दें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल रहेगा। वो क्या है कि हमने पढ़ा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, न्यूटन ने बताया कि कोई भी बॉडी अगर अपनी स्टेट में है यानी स्टेट ऑफ मोशन में हो या चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, वो तब तक अपनी उसी स्टेट में रहेगी जब तक कोई बाहर से फोर्स उसे रोके ना, ठीक है। तो ये मतलब है एक रूल। अब जब वो उसे कोई रोकन उसे कोई मतलब बाहर की फोर्स चेंज करने, उसकी नॉर्मल जो स्टेट है उसको चेंज करने की कोशिश करती है, तो बॉडी उसको रोकती है, मतलब उस फोर्स को रोकती है कि मेरी स्टेट चेंज ना कर। वो जो रोकती है उसे स्टेट चेंज करने से उसे कहते हैं इनर्शिया। सेम तरह से यहाँ पे भी जो चेंजेस आती हैं और वो जो चेंजेस आती हैं उनको जो रोकता है प्रोसेस उसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका समझने का और इंटर रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स हो जाता है इसमें। अब तीन एस्पेक्ट्स जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिनको कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो ऑस्मोलैरिटी है। क्या है ऑस्मोलैरिटी? ऑस्मोलैरिटी क्या है कि बॉडी के अंदर फ्लूड्स और जो असमोल्स हैं यानी जो आइंस वगैरह हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना होता है, नॉर्मल कंसंट्रेशन मेंटेन करनी होती है। जैसे फॉर सपोज हम आए ह्यूमन बॉडी पे, तो ह्यूमन बॉडी की जो नॉर्मल असमोलरिटी है वो 300, ब्लड की जो असमोलरिटी होती है वो 300 मिली असमोल्स होती है। अब वो प्रोसेस जो इस असमोलरिटी को मेंटेन करे उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन, वेरी गुड। उसके बाद दूसरा होता है टॉक्सिक एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। देखिए दोस्तों, हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स
और वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया का बनना और दूसरी चीज़ों का बनना, उन अगरचे वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स या टॉक्सिक या वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर हमारी बॉडी में रहे तो वो हमें ही नुकसान पहुंचाएंगे। अब एक चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है तो उसके रखने की क्या ज़रूरत। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि हमारी बॉडी उसे हमारे जिस्म में नहीं रहने देती, और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए उसे बाहर निकाला जाता है उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, तो जो लास्ट प्रोसेस आया टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मखसूस है। जैसे हमने बात की 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर फॉरेनहाइट में आ जाएं तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी है ह्यूमन का। तो टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन करना ज़रूरी है। उस टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करने वाला जो प्रोसेस है उसे थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट टॉपिक कम्प्लीट हो